आईब्रो बनवा लिए, कैसा लग रहा है बताइए कमेंट में। यहाँ पे कोकल ढोड़ा के पास देखिए चाची मिल गई, और यहाँ पे कुछ खोजने जा रहे हैं लोग। पिलुआ, जो पिलू रहते, क्या नाम है चाची उसका? पोकल पिलुआ। पोकल पिलुआ जो कि सहतूत का पेड़ में होता है, जिससे धागा बनता है। तो आने दीजिए बाबा लोग को, अगर मिलता है पिल्लू तो दिखाएंगे, और नहीं मिलता है तो नहीं दिखाएंगे। ठीक, तो गाइस एक एक मिला बोल रहे हैं बाबा, तो चलिए दिखाते हैं कैसा रहता है रेशम का। देखिए दादी है ये, और अभी दादी तरफ है, नानी तरफ तो जाबे नहीं किए जब से आए तब से, क्योंकि उधर बारिश आना स्टार्ट हो गया। जब हम लोग आ रहे तो वही टाइम हल्का हल्का आ रहा था, और जैसे घर आए वैसे बहुत ज्यादा आने लगे। कुछ काम उम है कि नहीं है? हाँ, का बच्चा मर गया, इसको देखिए, ये है वो बच्चा की मम्मी, ये है वो बच्चा का पापा, और ये पापा इतना आलसी है, कितना आलसी है कि बता नहीं सकते हैं, बहुत आलसी है ये। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, आप सभी को स्वागत है दीपक महेश्वरी ब्लॉग्स में। तो गाइस सुबह हो चुकी है, और देखिए सुबह सुबह रेडी हो गए हैं, तो हम लोग जा रहे हैं गांव, और आप सभी को हमारे तरफ से हैप्पी कर्मा पूजा। और अभी हम लोग गांव जाएंगे और गांव में रहेंगे अभी एक दो दिन, तो चलिए जाके दिखाते हैं हम लोग क्या करने जा रहे हैं, किस काम से जा रहे हैं, आप लोगों को ये ब्लॉग में सारा पता चल जाएगा, तो प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा और ब्लॉग को पूरा देखिएगा। गाइस देखिए हम लोग पेड़ों आ चुके हैं, मम्मी आई मुमलाइट से और हम लोग आए बाइक से। देखिए भींग गए, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा था उसके कारण भींग गए। फिर अभी हम लोग चलेंगे गाँव, क्या करने आए मम्मी? कर्मा देखने, ठीक है, कर्मा देखने आए हम लोग बेड़ो, अभी जाएंगे फिर हम लोग गाँव, फिर आप लोगों को गाँव जाकर दिखाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे कोकल ढोड़ा के पास, देखिए चाची मिल गई, और यहाँ पे कुछ खोजने जा रहे हैं लोग। पिलुआ, जो पिलू रहते, क्या नाम है चाची उसका? पोकल पिलुआ। पोकल पिलुआ जो कि सहतूत का पेड़ में होता है, जिससे धागा बनता है ना, वही वाला ना? हाँ, रेशम का कीड़ा, वही। तो अभी देखिए हम लोग रास्ता में हैं, अभी हम लोग गांव जा रहे थे, और चाची लोग सामान लेने जा रही है बेड़ो, और क्या बोलते हैं कर्मा है ना आज, तो कर्मा का सामान लेने जा रही है, क्योंकि मेरी छोटी ननद है वो करेंगी इसीलिए। तो चाची लोग अभी निकल जाएंगे, फिर हम लोग गाँव जाएंगे, फिर गाँव जाके दिखाएंगे। और इनका देखिए मुँह, जूता नहीं मिला नहीं, इसीलिए गए थे गाइस, वरना इतना महंगा वाला करते हैं पता है। 2200 वाला लेने के लिए तैयार थे, लेकिन 2200 के लिए हम पैसा ही नहीं है मेरे पास, तो हम कहाँ से ले देंगे। आप ही ना बोले कि जूता लेना है, तो हम बोले थे 600-700 का, ठीक है, पर गांव आना था, मेरा काम था, उसके बाद चला जाना, जूता का बात यही की थी। हाँ आप बोले थे जूता खरीदना है, तो चलिए ले देंगे बाद में। तो आने दीजिए बाबा लोग को, अगर मिलता है पिल्लू तो दिखाएंगे, और नहीं मिलता है तो नहीं दिखाएंगे। ठीक, तो गाइस एक एक मिला बोल रहे हैं बाबा, तो चलिए दिखाते हैं कैसा रहता है रेशम का। बाबा लेके आए हैं रेशम का कीड़ा, एक ही को है, देखिए ये काम मतलब इससे दवा बनेगा, इसका अंदर में कीड़ा है, बहुत मजबूत रहता है इसका, मिलना मतलब खोलना बहुत मुश्किल होता है। उनका तबीयत ठीक नहीं हो रहा, इसीलिए रेशम का कीड़ा का कुछ, कीड़ा का नहीं कुछ होगा उसका दवा बनता है, तो उनका दवा बनाएंगे और उनको खिलाएंगे। क्या पता खिलाते हैं कि लगाते हैं, हमको नहीं पता, लेकिन उसका दवा बनेगा तो फिर ये ठीक हो जाएंगे, फिर वो ठीक हो जाएंगे। तो चलिए अब मिल गया कीड़ा, तब हम लोग चलते हैं घर। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं गांव, और अभी दादी का गांव घर में है, और इधर देखिए सो रहे हैं, आते आते आराम कर रहे हैं ना, तो चलिए इनको आराम करने देते हैं, और अभी थोड़ा देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे। गाइस देखिए सो के उठ चुके हैं, अभी है दादी के घर में, हाँ अभी बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। गाइस इधर देखिए छोटा छोटा मुर्गी का बच्चा, देखिए बकरी कैसे खा रही है, टांग दिए है बकायन कब को, तो देखिए पानी आ रहा है, आके तो भयानक कर दिया पानी यहाँ पे, देखिए पूरा रास्ता भींग गया पूरा, अभी तक भी बारिश हो रहा है, कैसे सब कोई कर्मा मनाएगा समझ नहीं आ रहा है। और इधर देखिए चाची लोग आ गई है पेड़ों से, और यहाँ पे आग सिका रही है, देखिए बहुत ठंडा लग रहा है। और ये रही दादी, फोन मांग रहे हैं, देखिए दादी है ये, और अभी दादी तरफ है, नानी तरफ तो जाबे नहीं किए जब से आए तब से, क्योंकि उधर बारिश आना स्टार्ट हो गया। जब हम लोग आ रहे तो वही टाइम हल्का हल्का आ रहा था, जैसे घर आए वैसे बहुत ज्यादा आने लग गए, तो नहीं गए हैं, तो जाएंगे तो ठीक है दिखाएंगे आप लोगों को। और गाइस इधर देखिए दो आलसी लोग सोए हुए, जब से आए तब से सो रहे हैं लोग,
देखो कुछ काम उम है कि नहीं है। बच्चा मर गया, इसको देखिए, ये है वो बच्चा की मम्मी, ये है वो बच्चा का पापा। और ये पापा इतना आलसी है कि बता नहीं सकते हैं, बहुत आलसी है ये। वो देख रही है पाँ पाँ। तो गाइस क्या कर रहे हैं, हम लोग रुकेंगे सोच के तो आए थे पर नहीं रुक पाएंगे, कुछ प्रॉब्लम हो गया उसकी वजह से हम लोग कल जाना पड़ेगा, नहीं रहेंगे क्योंकि इनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और बोल रहे कि हमको यहाँ पे नहीं रहना है। हम लोग आए थे मेन कारण तो शूटिंग के लिए आए थे, पर नहीं करेंगे शूटिंग, अब जितिया के बाद ही निकलेगा तो निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा गाना अभी जब तक इनका तबीयत ठीक नहीं होता है। तो गाइस गांव में तो लाइट नहीं है इसीलिए अंधेरा है पूरा, और मुश्किल है अभी गांव में लाइट आना। क्या देख रहे हैं आप? हम बोल रहे कि बनाने का क्यों ऐसे किया? नहीं बारिश हो रहा है, नहीं देख रहे हैं आप? अभी बहुत ज्यादा चांस है बारिश आने का, कल परसों को। कल नहीं आएंगे तो अलग बात होगी ना, नहीं आएगा कल परसों, इससे ज्यादा परसेंटेज दिखा रहा है बारिश आने का। देखिए गाइस दादी क्या ला दे रही है, क्या ला रहे दादी? पापड़। ए दे हमको भी मिला पापड़। और इधर देखिए चाय आ चुका है शाम के टाइम में एकदम गर्मा गर्म, और ये लोग को दे दिए ये पापड़, तो ये लोग खा रहे हैं। हमको एक्स्ट्रा मिला क्योंकि हम खाना नहीं खाए इसीलिए, आपको ये दो मिला तो एक तो दे दिया गुनू लोग को। तो गाइस हम खाना नहीं खाए थे आके ना, इसीलिए हमको एक्स्ट्रा पापड़ मिला, तो चलिए खा के बताते कैसा है, ठीक है? पर थोड़ा सा नमक लगाया हुआ है ना, नमक चाय में तो हमको नहीं अच्छा लगता है। तो चलिए गाइस खाते हैं, उसके बाद कुछ बात करेंगे, ठीक है आप लोगों से। तो गाइस पी लिए, अभी अच्छा लग रहा है क्योंकि खाना नहीं खाया था तो हमको एकदम कमजोरी टाइप से लग रहा था। उसके बाद आप लोग एक चीज नहीं बताया आप लोगों को, ठीक है? देखिए आईब्रो बनवा लिए, कैसा लग रहा है बताइए कमेंट में। आई बात हम कैसे दिख रहे हैं? बहुत बड़ा बड़ा बढ़ गया था पता है, बहुत घटिया दिख रहा था। हम सोचे कल शूटिंग करेंगे, हाँ कल शूटिंग करेंगे बोल के बनाए, तो कल का बारिश आने के चांस बहुत ज्यादा है, तो सोच रहे हैं कि नहीं करवाएंगे। तो हम कैसे लग रहे हैं? उधर बैठे हुए हैं क्योंकि लाइट भी नहीं है और बारिश आ तो आ ही रहा है, और लाइट गांव का पता है क्या होता है, थोड़ा सा भी बारिश आएगा ना, आंधी आएगा ना, हल्का सा भी लाइटें काट देता है। गांव में कितनों भी बारिश आए बस बिजली गड़कता है उस टाइम, बस काटता है उसके बाद तुरंत दे देता है लाइट, पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ बहुत देर तक नहीं देता है, दो दो तीन तीन दिन तक नहीं दिया है। हम गांव में थे ना, हम लोग का गांव में कभी नहीं देता था लाइट। तो गाइस मेरे पास आ गए हैं, क्या सोच समझ के आप आए मेरे पास? क्योंकि अभी बाय करना है ना इसलिए। तो गाइस नानी के घर तरफ नहीं जा सक रहे क्योंकि बारिश हो रहा है, और हम नहीं जाते कि भींग जाए, हम भींग जाएंगे फिर मेरे पास कपड़ा भी नहीं है, फिर बुखार पड़ जाएंगे इसीलिए। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।